वक्त बदला, नजरिया बदली और बदल गए तमाम राजनीतिक किस्से। शहर दर शहर सिर्फ विकास का मुद्दा और रह गया सांसद जी के कामों का लेखा जोखा। कानपुर एक ऐसा शहर है जो न सिर्फ चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है बल्कि राजनीति लिहाज से भी काफी सुर्खियों में बना रहता है। इस समय कानपुर के विकास की डोर सांसद सत्यदेव पचौरी के हाथ में है और इसी विकास की डोर की मजबूती जानने के लिए पार्लियामेंट बिजनेस कानपुर पहुंचा। वर्तमान पहलुओं पर हम पहले गौर करें, इससे पहले जरूरी है कि कानपुर की राजनीतिक महत्व को जानना। गंगा किनारे बसा औद्योगिक शहर कानपुर उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है। कानपुर लोकसभा सीट कभी कम्युनिस्ट, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के गढ़ के रूप में मशहूर रही। लेदर सिटी नाम से मशहूर कानपुर सीट पर फिलहाल कमल का कब्जा है। 2014 में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने चुनावी मैदान में जीत का हैट्रिक लगा चुके। कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल को करारी मात दी थी और यहां भगवा ध्वज फहराने में कामयाब रहे थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कानपुर से बीजेपी जीती थी। लाजमी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कानपुर में बाजी मारी। 24 मार्च को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानपुर को जिला घोषित किया था। कानपुर में अंग्रेजों ने पहले छावनी की स्थापना की थी। कानपुर के 218 साल पूरे हो गए हैं। कानपुर में 15 गांव शामिल किए गए थे। साल 1857 के गदर में कानपुर की धरती खून से लाल हुई थी। इस तरह से कानपुर अस्तित्व में आया और धीरे धीरे कब लेदर सिटी राजनीति लिहाज से अहम बनती चली गई, इसका किस्सा काफ़ी दिलचस्प है। कानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्य नगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट शामिल हैं। कानपुर कैंट से 1951 में कांग्रेस के हरिनाथ शास्त्री पहले सांसद रहे थे। 1991 से 1998 तक बीजेपी के जगत वीर सिंह द्रोणा ने जीत दर्ज कर हैट्रिक की थी। फिर इसी का बदला कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल ने 1999 से 2009 तक जीत दर्ज कर लिया था। वक्त बदलने के साथ साथ कानपुर में बहुत सी चीज़ें बदलती चली गईं। कई राजनीतिक चेहरों ने कानपुर की कमान संभालने की कोशिश की। कोई इस कोशिश में सफल रहा और कई ऐसे भी रहे जो असफल नजर आए, लेकिन कानपुर की वर्तमान कमान सांसद सत्यदेव पचौरी के हाथ में है। सत्यदेव पचौरी राजनीति की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। सत्यदेव पचौरी आरएसएस से निकले नेता हैं। 12 अगस्त 1948 को मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1968 में जुड़े थे। वहीं से सत्यदेव पचौरी की राजनीति जीवन की शुरुआत हुई। 1991 में बीजेपी लहर में कानपुर के आर्य नगर से विधायक बने। बाबरी गिरी और यूपी की सरकार भी गिरी। एक बार फिर 1993 में चुनाव हुए। इस बार पचौरी महेश वाल्मीकि से हार गए। 1996 के चुनाव में वो हाजी मुश्ताक सोलंकी से हारे। इसके बाद पचौरी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। सत्यदेव पचौरी पार्टी संगठन में काम करने लगे। यूपी भाजपा के महासचिव हो गए। इनको लोकसभा का टिकट मिला। एक बार फिर श्री प्रकाश जायसवाल से हार गए। 1991, 1996 और 1998 में लोकसभा पहुंचे थे। 1999 में श्री प्रकाश जायसवाल से हार गए थे। 2009 में टिकट सतीश महाना को दे दिया गया। सत्यदेव पचौरी को टिकट नहीं मिला। फिर वो संगठन की राजनीति करने लगे। 2012 में उनको विधायकी का टिकट मिला। कानपुर की गोविंद नगर सीट से वो विधायक बने। 2017 में एक बार फिर से वहीं से जीते। 2019 में मोदी लहर में फिर से सांसद बने। 2019 के मोदी लहर में एक बार फिर कानपुर की जनता ने उन पर भरोसा जताया और अपने विकास की कमान सत्यदेव पचौरी के हाथों में सौंप दी। इस दौरान महामारी का ये दौर सत्यदेव पचौरी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में सत्यदेव पचौरी कितना सफल रहे, इसकी गाथा कानपुर की जनता के जुबानों पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, कानपुर के सांसद हमारे बीजेपी से हैं, इनका नाम सत्यदेव पचौरी जी हैं। तो जिस प्रकार से मोदी जी का आह्वान है देश का विकास करना, तो विकास कार्यों पे तो निर्भर है ही है, लेकिन अब सांसद जी की उम्र तो फिलहाल ठीक ठीक है,
क्योंकि वो 70-72 के हैं तो कार्य तो वो करेंगे नहीं, कार्य जो भी उनके प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किया जाता है। और हालांकि कई विकास कार्य तो हुए भी हैं और इस समय पर जैसे कोरोना महामारी फैली हुई है तो उसको देखते हुए ज़्यादातर सरकारी कामों में रोक भी लगी हुई है। अब जैसा जैसा इसमें जो है कमी आ रही है भाई, उनका कार्यकाल अभी सांसद बनने 1 साल बीता है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें बताई हैं अभी 1-2 दिन पहले, उसको पढ़ने और जानकारी करने के बाद ये समझ में आता है कि जो भी कागजी लिखा पढ़ी है वो तो उनकी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो उनका ये बयान था कि BIC की सभी मिलें बंद कर दी जाएंगी, तो इसके बाद तो एक बार मोदी सरकार योगी सरकार रोजगार दिलाने की बात कहती, दूसरी पार्टी का सांसद ये कह रहा है कि मतलब BIC की सारी मिलें बंद कर दी जाएंगी। दूसरी ओर जो इन्होंने ये बयान दिया कि इस तरह से वहाँ मंदना से वहाँ उनकी रोड लाइन बाकायदे रेलवे लाइन उसकी चालू की जाएगी, उसको जोड़ा जाएगा, तो दूसरी तरफ तो व्यापारियों का एक समूह लगा हुआ है कि GT रोड की लगी हुई रेलवे लाइन किसी तरह खाली करा के प्लाटिंग करा के अपने अपने प्लाट खरीद लिए जाएं, तो वो भी हमारे मतदाता हैं सांसद जी, उनकी ओर उनका झुका होगा या रेलवे लाइन की ओर झुका होगा। ऐसी तमाम सारी समस्याएं आ रही हैं जो पार्टी के एजेंडे से और मोदी जी की कथनी करनी और उनके बयान से डिफर करती हैं, अब देखिए कितना कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर कानपुर का एक दुर्भाग्य है, जितने भी सांसद महोदय हुए हैं कानपुर के विषय में किसी ने कुछ नहीं सोचा है, जो कानपुर में आज तक पिछड़ा होने का मेन मुद्दा ही यही है, क्योंकि जितने भी सांसद पता नहीं क्या है दुर्भाग्य है कि कम से कम हम लोगों को मार्केट प्लेस के अंदर या कहीं पर भी उनका चेहरा दिखना चाहिए, पर इस तरीके से आज 10-ही साल से हम लोग मार्केट में हैं पर कोई भी हम लोगों को नहीं दिखता है। बाकी इंसान वो अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे हैं, पर कार्यशैली बहुत कमज़ोर है। कार के लिए कानपुर में जनता के बीच में कम से कम एक जनता दरबार होना चाहिए, उनको कम से कम हफ्ते में एक दिन सबको समय देना चाहिए जिससे जो है जनता के बीच संवाद हो पाए, तभी सब कम, जब तक जनता की कमताइयों का आप नहीं समझेंगे तब तक आप जो है कानपुर का विकास का किसी चीज़ का विकास नहीं कर, जनता के बीच में आपको सामंजस्य बैठाना चाहिए कोई भी सांसद महोदय हो, क्योंकि ये देश का एक प्रतिनिधित्व तुम कर रहे हो और तुम्हारे द्वारा संसद में आवाज़ जाती है, अगर तुमने जनता से संवाद सीधा नहीं किया तो मुश्किल है। केवल आप 5 साल जीत तो जाएंगे पर दोबारा के लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सांसद ऐसा होना चाहिए जो 3-4 बार आप बाहर देखिए नागपुर में, ये बाहर भी देखिए 5-5 बार के सांसद होते क्यों होते हैं, उनका जनता से सीधा जुड़ाव है। यहाँ पर जनता से सीधा जुड़ाव ना होने के कारण हर बार बदलते रहते चेहरे और हर बार नए चेहरे आते रहते हैं, हम लोग भरोसे में वोट देते रहते हैं, ऐसा ही चलता रहेगा और चलता आया है। कानपुर के सांसद ने एक विकास हुआ था जो कि अब नहीं रहा, और भी बहुत सारे विकास होने चाहिए थे जो कि नहीं हो पाए, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, कानपुर का दायित्व है उनके ऊपर, और बहुत ही संघर्षशील नेताओं में उनकी गिनती रही है जो कि अब की बार और इस कार्यकाल में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, ना ही कहीं पे वो दिखाई दिए और ना ही किसी भी जगह पे वो उपस्थित रहे हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिए, बाकी और जनता की जो राय भी हो। हम लोगों ने क्षेत्र में तो क्या, हमने कानपुर शहर में भी कभी नहीं देखा उनको, और अगर वो सांसद हैं जिस तरह से जनता ने चुना है उनको, तो उनको ये चाहिए कि हम अपनी जनता को ध्यान रखें और उनकी समस्याओं को समझें, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग उनके निवास पे गए और उनके कार्यालय पे गए लेकिन वो कभी भी मौजूद नहीं मिले, जो हम लोग अपनी समस्या उनके आगे रखते वापस आ जाते हैं, दिल्ली, लेकिन सांसद जब दिल्ली में रहता है तो अपने क्षेत्र में क्या करेगा, उसको क्षेत्र में रहना चाहिए। रही बात लॉकडाउन में इतनी समस्याएं आई कोरोना काल में, जो व्यक्ति कोरोना में गया वो तो पीड़ित रहा ही रहा, लेकिन जो कोरोना में नहीं भी मरा उसको भी आपने कोरोना में शामिल कर दिया, उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया, और जितने भी बेचारे चाहे हिंदू भाई हों हमारे चाहे मुस्लिम भाई हों हमारे, मतलब उनकी मिट्टियों को इस तरह से एक लावारिसों के तरह से मतलब डलवा दिया गया, चाहे शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो। रोजगार का रहा, रोजगार इतना गए गुजरा है कि लोगों के घरों में पुरुष इतना लड़ते झगड़ते हैं, कोई कारोबार नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करवा दिया, ये सदन में रखना चाहिए हमारे सांसद जी को, लेकिन नहीं रख पा रहे, किसी के पास मोबाइल है किसी के पास नहीं है, वो जिनके पास नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। कानपुर की कुछ जनता की राय जानने के बाद पार्लियामेंट्री विजन्स की टीम थोड़ी आगे बढ़ी
और लोगों से सत्यदेव पचौरी को लेकर उनकी राय जानी। इस दौरान अधिकांश जनता सत्यदेव पचौरी के कामों से निराश नजर आई। एक सुर में लोगों का बस यही कहना था कि कानपुर की जनता ने पचौरी जी पर जिस तरह से एक बार फिर भरोसा किया था, उस पर पचौरी जी खरा नहीं उतरे। कानपुर की सड़कों पर विकास का पहिया सुस्त गति में चल रहा है। इस महामारी में भी पचौरी जी नजर नहीं आए। साथ ही लोगों ने ये तक कहा कि अब मुश्किल है एक बार फिर उन पर भरोसा करना। वैसे देखा जाए तो हमारे लगे संसदीय क्षेत्र के इनके सांसद जी बनने पर एक लगभग एक से डेढ़ साल होने वाले हैं। अभी तक का इनको हमको कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं दिखा है जिससे इनकी तारीफ की आ सके। और देख लीजिए, सड़कें बिल्कुल बेहाल हैं, हैं लोगों में इनकी उपलब्धता बहुत कम रहती है। बिजली, सड़क, पानी की बहुत सी दिक्कत है और इनके पास कोई यदि शिकायत करने पर जाता है तो जनता में वो उनको संतुष्टि नहीं मिलती है जिससे एक सांसद या विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मिलना चाहिए। और अब हम लोगों ने बहुत बड़ी आशा करके हम लोगों ने इनको एक मतदान किया था, भारी बहुमत से इनको जिताया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विकास के, मतलब उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, हर आदमी संतुष्ट है। लेकिन हमारे सांसद जी से हम लोग, हमारे क्षेत्र के वासी लोग, हम लोग बहुत उनसे असंतुष्ट हैं, बहुत ही नाराज हैं। हम लोग को बहुत आशा थी कि सांसद जी, क्योंकि इतना अच्छा अनुभव इनके पास था, विधायक जी भी रहे कई बार और मंत्री भी रहे अपने समय में, तो हमें एक बहुत आशा थी कि बहुत अपने अनुभव का एक जनता में अच्छा विकास करेंगे। लेकिन हमको बहुत निराशा हुई है, क्षेत्रवासी बहुत नाराज रहते हैं। आप चाहे वो बर्रा क्षेत्र की सड़कें देख लीजिए, पूरे विजयनगर की सड़कें देख लीजिए, हैं कल्याणपुर आवास विकास जो क्षेत्र, उनको मसवानपुर का क्षेत्र देख लीजिए, और आप किदवई नगर, गोविंद नगर का क्षेत्र देख लीजिए, सड़कें कितनी खस्ता हाल हैं। सर, मैंने उनको खाली इलेक्शन टाइम में देखा था, उसके बाद आज तक हमने उनको नहीं देखा है। और ये सांसद हो गए हमारे, और उनको बधाई हो सांसद होने के लिए, पर उन्होंने विधायक सांसद होने के बाद आज तक कानपुर के लिए कोई भी कार्य अच्छा कार्य नहीं किया है। चाहे सड़क ले लीजिए, सड़क टूटी हर जगह की आप देख लीजिए, चाहे आप वेस्टर्न रोड ले लीजिए, गोविंद नगर ले लीजिए, कल्याणपुर ले लीजिए, हर जगह तोड़ एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं सड़क टूटने के कारण। बिजली की समस्या अलग है सर। सबसे बड़ी हमारी युवा बेरोजगारी है। जो आज का युवा है उसके लिए ना कोई नौकरी है, ना बिजनेस है, ना कोई कार नहीं है, उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा, जिसके कारण हमारे समाज में एक आपराधिक वो भी हो रहा है आजकल, मर्डर और ये सब चीज़। जब पैसा नहीं, आदमी को खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, घर चलाने को नहीं है, तो आदमी क्या करेगा, एक गलत काम की करेगा। ये तो साफ हो चुका है कि कानपुर की जनता सत्यदेव पचौरी के विकास कार्यों से खुश नहीं है। कानपुर के लोगों का बस यही कहना है कि अगले चुनाव में उनको ही मौका दिया जाएगा जो विकास का मतलब समझेगा। लेकिन इन सभी के बीच सांसद सत्यदेव पचौरी के प्रतिनिधि का कहना है, जितनी भी परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, सबसे पहला फोकस उन परियोजनाओं को पूरा करने पर किया जा रहा है जिसे जनता को सीधे तौर पर लाभ मिले। लेकिन अब ये तो जनता ही तय करेगी कि उसे कितना लाभ मिला और कितना मिलना बाकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी के प्रतिनिधि जी। आइए जानते हैं इनसे कि कानपुर में जनता की समस्या को लेकर के किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, कैसे उनका निवारण किया जा रहा है। जी सांसद जी, इस कोरोना काल में लगभग कहाँ रहे और किस तरीके से जनता के प्रति कानपुर में काम किया? लगभग सांसद जी कोरोना काल के बीच में मेरे हिसाब से अधिकतर समय उन्होंने कानपुर में अपने इसी कैंप ऑफिस में बिताया। हमने कानपुर के अपने पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मंडल अध्यक्ष, स्थानीय पार्षदों और संगठन के अन्य महत्वपूर्ण जितने कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से कोरोना काल में राशन किट, मास्क, भोजन की व्यवस्था, आम जनमानस के जुड़ी हुई सीधी समस्याएं, क्योंकि पहले दो महीने का जो संक्रमण काल था कोरोना काल में वो जनता के लिए अत्यंत कठिन था। उसमें जो जिसका रोज कमाने खाने वाले के लिए वो एक संकट काल था। तो हमारा प्रयास ये था, सांसद जी का एक संकल्प था कि कानपुर शहर में भूख की वजह से या भोजन की वजह से कोई भी आदमी प्रभावित ना होने पाए। तो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, अखबारों के माध्यम से उस नंबर का प्रचार किया, व्हाट्सअप किया, लगातार फ़ोन आते रहे, लोगों ने अपनी लिस्टें भेजी, अपने अपने मोहल्लों की सूचियां दी संगठन के कार्यकर्ताओं ने, उनको राशन किट लगाना, भोजन उपलब्ध कराना और विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएँ जिस तरीके से आई, मेरे हिसाब से उस कोरोना काल में उन समस्याओं का 16,500 राशन किट
सांसद जी ने अपने कार्यकर्ताओं के विधायक से लोगों को पहुंचाया। उसी तरीके से दूध के पैकेट, दसियों हजार दूध के पैकेट, छोटे छोटे बच्चों को बिस्कुट और दूध बहुत अपर्याप्त हो गया था, क्योंकि जिसके पास 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये उस समय नहीं होते थे, उसके लिए अपने बच्चों को दूध पिलाना एक कठिन हो गया था। तो पार्ले जी के बिस्कुट देना, टोस्ट देना, सुबह सुबह कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को निकालना, टीमें बनाना, बस्तियों में पहुंचना, उनका जीविकोपार्जन की चिंता करना, लंच पैकेट बनवाना विभिन्न व्यापार मंडलों के मार्फत से, उनके साथ वो लंच पैकेट का वितरण की व्यवस्था करना, अपने कार्यकर्ताओं की टीम लगाना। बात की जाए जिस तरीके से सांसद जी कानपुर में लगभग हफ्ते में या महीने में कितने दिन कानपुर में रहते हैं और कितने दिन दिल्ली में रहते हैं? सांसद जी सामान्य तौर पर सदन के अलावा सदन में तो दिल्ली रहना ही होता है, इसके अलावा महीने में 10 दिन दिल्ली रहते हैं, 8 दिन और 20 दिन कानपुर रहते हैं। जनता का जो सवाल है, जो जनता की एक समस्या है, जो हम लोग जनता के बीच में गए तो उनका ये कहना था कि सांसद जी ज़्यादातर समय बाहर रहते हैं, उसके बाद अगर शहर में भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे मिलना एक इतनी कठिन कार्य होता है कि एक आम जनमानस उनसे मिल ही नहीं सकता, तो उसमें क्या कहना है आपका? ये ऐसा कोई कुछ कह रहा है तो इसका मतलब उसने सांसद जी से संपर्क का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सांसद हमारे जो हैं सर्वसुलभ हैं। ये कार्यालय सांसद जी जिस समय जब भी रहते हैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे बैठ जाते हैं, 2-3 बजे तक बैठे रहते हैं, उसके बाद क्षेत्र में कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं और पब्लिक के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं, इसके अलावा 18 घंटे फोन में सुलभ रहते हैं। दुर्भाग्य 9415051777 कानपुर के आम जनमानस की जवान का नंबर है, जब किसी को समस्या आती है तो वो रात को 1 बजे भी सांसद जी को मिलाता है। ये यदि ऐसा कोई आपका किसी ने कहा हो, मैं नहीं कह सकता किसी ने नहीं कहा, यदि आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि किसी ने कहा होगा, लेकिन जिसने भी कहा होगा इसका मतलब उसने सांसद जी से संपर्क का प्रयास नहीं किया। जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार जो आम जनमानस है कानपुर का, जो चिकित्सा व्यवस्था रही वो एकदम चरमरा सी गई और बड़ी अव्यवस्था का माहौल रहा, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो अपने इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाता रहा और उसके लिए उसने हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल ले लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लिए, स्थितियाँ बद से बदतर होती चली गई। क्या उसके लिए कुछ क्या प्रयास किए गए आप लोगों की तरफ से? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ये कानपुर का नहीं है, ये महामारी का जो दौर आया इसमें पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, किसी की कल्पना के विपरीत। कोई ऐसी किसी की कल्पना नहीं थी कि कोविड-19 जैसी महामारी इस रूप में विश्व में आएगी। तो पहले 1 महीने तो हमको अपने सेटअप को रिन्यू करने में लग गया और हमारा प्रयास ये था, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमने अपने को बहुत ज़्यादा बचाने का प्रयास किया और उसमें लगभग 99.99% हम सफल हुए। सांसद जी की जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें अभी तक विकास कार्यों की अगर बात की जाए, जब से वो विजयी होकर के हैं, तो क्या क्या किए गए और आगे उनकी क्या क्या योजनाएं हैं? मूल रूप से सांसद जी का पहले 500 दिन का कार्यकाल ये कहता है, मेरा अपना अनुमान है कि 500 दिन में हमने सबसे पहली प्राथमिकता हमारे पास थी कि शहर में जितनी भी लंबित परियोजनाएं हैं, नए विकास करने से कोई लाभ नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण पहला चरण था कि जितने भी लंबित प्रोजेक्ट चल रहे हैं किसी तरह भी ससमय वो पूर्ण किए जाएं और नई परियोजनाओं का खाका बनाया जाए। तो इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में सांसद जी ने सांसद निधि में इलाज का प्रोविजन ना होते हुए भी व्यक्तिगत प्रयासों से कानपुर के जनमानस में जो लोग भी हमारे पास आए उसमें करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता, 1 करोड़ से ऊपर की आर्थिक सहायता पिछले 500 दिन में इलाज के लिए गरीब लोगों को उपलब्ध कराई बिना निधि के, प्रधानमंत्री राहत कोष से, मुख्यमंत्री राहत कोष से। शिक्षा के क्षेत्र में हमको एक कोटा निर्धारित होता है सेंट्रल स्कूल का, मेरे हिसाब से एक सांसद को साल में 10 मिलते हैं, 2 साल में होते हैं 20,
सांसद जी ने अपने प्रयासों से 60 एडमिशन कराया कि गरीब बच्चों को हमारे वहाँ जो दलित समाज, पिछड़े समाज, उपेक्षित लोग हैं, उन लोगों के बच्चे सही शिक्षा को प्राप्त कर सकें। अब जो आगे जो समय आ रहा है, जिस तरीके से मान लीजिए कार्य चल रहे हैं, कोरोना भी है, अन्य चीज़ें भी है, व्यापार का संकट है, रोजगार का संकट है, रोजी रोटी का संकट है, तो उसके चलते मान लीजिए आगे देखते हुए आप लोगों की क्या योजना रहेगी जिससे कानपुर की जनता का और कानपुर का विकास हो, क्या करेंगे आगे? कानपुर के पहले विकास की 6 प्राथमिकताएं सांसद जी ने वर्तमान में तय कर रखी हैं। उसमें से पहला महत्वपूर्ण है कानपुर को अव्यवस्थित करती हुई रेलवे लाइन। कानपुर का सांसद जी का एजेंडा यह है कि इस रेलवे लाइन के हटाए बिना कानपुर शहर का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। नंबर दूसरी व्यवस्था है कि पानी के जेएन रूम का जो पेयजल का संकट है, तो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से परसों सांसद जी की व्यक्तिगत चर्चा हुई है इस पे पिछले 1 घंटे तक कि किसी भी तरीके से जेएनएम योजना का जो पूर्व सरकारों ने भ्रष्टाचार और उसमें लिप्त करके इस योजना को बलि का बकरा बना दिया और आम जनता का पानी को संकट में डाल दिया, इसको किसी भी तरीके से ख़त्म करके पानी की सुचारू व्यवस्था आम जनमानस का पहली पत्ता, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, घर हर घर जल, हर घर जल, तो ये सपने को पूरा करना सांसद जी का अपना व्यक्तिगत संकल्प है, व्यक्तिगत है ये। इसके अलावा दक्षिण क्षेत्र में हमारे वहाँ हॉस्पिटल जो आपने बताया स्वास्थ्य सेवा का, कल ही बजट परसों मुख्यमंत्री जी ने बजट के आदेश कर दिए हैं 100 बेड का नौबस्ता मोरंग मंडी में जो जमीन पड़ी है उसके चिकित्सालय के लिए बजट को अमुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव को दे दिए हैं कि तत्काल उस पर बजट लगा दिया जाए, कम से कम दक्षिण क्षेत्र के लोगों को थोड़ी राहत मिले। हर आदमी को क्या होता है, कानपुर में नौबस्ता में भी इलाज कराना है तो हैलट आना पड़ता है और जब तक हैलट पहुँचता है तब तक वो अधमरा हो जाता है, इतनी गंभीर स्थिति है। तो सांसद जी की पहली प्राथमिकता क्या है कि रेलवे लाइन, यातायात व्यवस्था करने के लिए रिंग रोड का निर्माण, कि कानपुर शहर में रिंग रोड होगी तभी इसका यातायात व्यवस्थित होगा और कानपुर में प्रदूषण की समस्या भी अपने आप घट जाएगी। तो ये थे कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी के प्रतिनिधि जी, जिन्होंने बताया कि सांसद जी द्वारा जल्द ही 500 दिनों का रिपोर्ट कार्ड वो खुद ही जारी करेंगे और अपने विकास के जो जनता के प्रति किए गए कार्यों के बारे में भी बताएंगे। तो एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब देखा जाएगा कि जनता सांसद जी के किए गए कार्यों और उनके 500 दिन के रिपोर्ट कार्ड से कितना संतुष्ट होगी और आगे वो किस तरीके से इनको अपना प्रतिनिधि के रूप में देख रही है और आगे किस तरीके से सांसद जी से मिल करके अपनी समस्याओं का निवारण करेगी। और जो एक बात देखी गई थी कि कहीं ना कहीं जो कई सवाल थे जिस पर प्रतिनिधि जी ने बताया कि सांसद जी लगभग सुलभ हैं और लगभग सभी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर जो व्यक्ति ये कह रहा है कि सांसद जी नहीं मिल रहे हैं तो उसने कहीं ना कहीं प्रयास नहीं किया है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखा जाएगा कि जनता की जो बात है और जो सांसद जी के प्रतिनिधि ने जो बात बताई है उसमें कथनी और करनी में क्या समझ में आता है। यह तो था कानपुर के सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड। अब आप ही तय करिए कि आपके माननीय कितने पानी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।